हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है अपना सपना मनु मनु। तो आज हम लोग रिव्यू देंगे एक ऐप के बारे में जिसका नाम है माई कैट ऐप, और ये भी बताएंगे कि ये ऐप जो है वो रियल है कि फेक ऐप है। ठीक है, इसका आइकन कुछ इस प्रकार का है। ये आपको आसानी से प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इसको इंस्टॉल करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इस रिव्यू को पूरा देखिएगा, फिर उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिएगा कि इसको इंस्टॉल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ही मैं बता देता हूँ कि ये जो ऐप है वो फेक ऐप है, ये बिल्कुल भी पे नहीं करता। उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, उसके पीछे के कई सारे रीज़न है, वन बाय वन हम लोग बात करेंगे इन रीज़न के बारे में। ठीक है, तो पहला रीज़न क्या होता है, यहाँ पर आपका प्ले स्टोर पर जो रिव्यूज़ दिए गए हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए प्ले स्टोर पर आ जाते हैं हम लोग। तो जैसे प्ले स्टोर पर आओगे आप, ठीक है, इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे आप आओगे तो यहाँ पर आपको रेटिंग जो है वो 4.5 की रेटिंग दे रखी है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। ठीक है, और इसको दिया है 41,738, यानी कि 41,738 की जो एवरेज रेटिंग पहुँची वो 4.5 की रेटिंग पहुँची, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। ठीक है, लेकिन रेटिंग पर ही बेसिस नहीं होता। ठीक है, रिव्यूज़ पढ़ने चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर रेटिंग इन्होंने 1 दी है। ठीक है, और रिव्यू पढ़ सकते हो आप, स्टार्ट्स आउट ग्रेट टिल $35, देन द रिवॉर्ड यू विल गेट डेली स्टार्स टू गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर सो दैट इट फील्स, यानी कि यहाँ पर स्टार्ट बहुत अच्छी करी थी इन्होंने, $35 तक का अर्न कर लिए गए थे, लेकिन जो रिवॉर्ड उनको मिल रहा था वो दिन ब दिन छोटा हो जाता है, यानी कि कम करते जा रहे थे। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरा रिव्यू, आई प्लेड दिस ऐप माई कैट फॉर 8 days एंड आई रीच लेवल 42 कैट, वेरी वेस्टिंग टाइम बिकॉज वेन यू रीच द हाइयर लेवल द कूपन इज टोटली प्लग डाउन, द सिस्टम इज ऑलवेज जम्प, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ टोटल, मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ज़्यादातर जो रिव्यूज़ गए हैं वो निगेटिव ही गए हैं, जहाँ पर यही बताया जा रहा है कि किसी ने रिवॉर्ड जीत लिया था तो उसका रिवॉर्ड जो था वो कम कर दिया गया है, किसी ने लेवल 42 तक का पहुँच गया था तो, लेकिन जो कूपन होते हैं, जो रिवॉर्ड वाले कूपन होते हैं, वो पूरी तरीके से मतलब कि मिले ही नहीं उनको। ठीक है, इसी प्रकार के रिव्यूज़ दिए जा रहे थे। ठीक है, आप और भी रिव्यूज़ इसे पढ़ सकते हो जिस पर कि केवल ऐसे निगेटिव ही निगेटिव रिव्यूज़ मिले होंगे। ठीक है, तो पहला रीज़न तो यही था आपका फेक ऐप बताने का। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, उसके लिए ऐप पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐप पर आ चुके हैं और यहाँ पर पहले बोला कि क्लेम कर लीजिए अपना $3। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कोई भी कंपनी होगी वो $3 किस बात का देगी। जॉइनिंग बोनस में आप कुछ उस कंपनी का फ़ायदा नहीं करोगे तो फिर वो आपको $3 किस बेसिस पे दे रही है। ठीक है, उस ये भी सोचने वाली बात होती है, ये भी एक लॉजिकल बात होती है क्या कि अगर कोई भी कंपनी जो है वो इतना इतना अमाउंट आपको पे कर रही है तो किस बात का पे कर रही है, जब उसको उतना प्रॉफिट हो ही नहीं पा रहा हम लोग की वजह से, तो जिस किस बात का। जैसे कि चैन कैश एक नाम का ऐप था जिसमें कि 7 ऐप इंस्टॉल करने पड़ते थे और वहाँ पर आपको $1 दिया जाता था। ठीक है, उसमें समझ में आता है कि 7 ऐप इंस्टॉल करोगे तो ऐप इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर क्या कर रही थी वो कंपनी उन ऐप को भी प्रमोट करने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, और उन ऐप को प्रमोट करने के वजह से क्या हो रहा था कि ऐप, ये जो चैन कैश कंपनी थी उसको भी कुछ ना कुछ अमाउंट मिल रहा था और उसमें से वो थोड़ा सा रखती थी और थोड़ा सा पे करती थी अपने जितने भी होते थे। यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर रहे, ना ऐप को इंस्टॉल कर रहे हो ना ही कुछ कर रहे हो। ठीक है, तो फिर इस कंपनी को कहाँ से फ़ायदा हो रहा इतना ज़्यादा कि ये हम लोग को $3 तक का दे रही है। ठीक है, पहली बात तो सोचने की यही होती है लॉजिक, जिसे हम लोग बोलते हैं लॉजिकल बात। ठीक है, तो मैं क्लेम तो कर देता, अब $3 क्लेम करने के लिए बोला तो क्लेम कर दिया मैंने और कूपन्स भी मुझे मिल गया। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास हो चुके हैं $3। ठीक है, अब दूसरी बात क्या, $3 जो है वो पे क्लिक करते हैं। ठीक है, कैश आउट का ऑप्शन आपको यहाँ पर आसानी से दिख जाएगा, इस पर जाकर क्लिक कर देना आपको। ठीक है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऊपर दे रखा होगा विड्रॉल का ऑप्शन। ठीक है, विड्रॉल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे आप विड्रॉल के ऑप्शन पर क्लिक करते हो
तो यहाँ पर पेपल का ऑप्शन से आप रिडीम करा सकते हो। लेकिन यहाँ पर जब आप रिडीम कराओगे आपके $50 तक का भी हो जाएंगे तो भी वो बोलेगा कि आपका अभी तक का मिनिमम थ्रेशोल्ड जो है वो पहुँचा नहीं है, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, ठीक है, उसकी वजह से मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊँ। यानी कि आप $50 तक का भी कम्प्लीट कर ले जाओगे, ठीक है, तब भी वो बोलेगा कि आपका जो मिनिमम रिडीम अमाउंट होता है वो वहाँ तक का पहुँचा नहीं, इसलिए हम लोग पे नहीं कर पाएंगे। तो जिससे कि पता चलता है कि ये जो ऐप है वो बिल्कुल ही फेक ऐप है, ठीक है, इसको भूल के भी इंस्टॉल मत करिएगा। इस वीडियो में केवल इतना ही बताना चाहता था, आगे की वीडियो हम लोग बात करेंगे ऐप अर्निंग ऐप के बारे में, रियल जेन्युइन अर्निंग ऐप के बारे में, ठीक है, तो प्लीज़ उसको देखना ना भूलिएगा। उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए, और कमेंट सेक्शन पर कोई भी अगर डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन पर आप पिन आउट कर सकते हो, ठीक है, वो डाउट मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, हैव अ गुड डे, बाय बाय।